नमस्ते, मिनी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज की जो रेसिपी है ना, उसको देखने के बाद से आप लोग जानबूझ के रोटियां बचाएंगे। तो ये टिफ़िन के लिए बहुत ही बेस्ट आइडिया है, और ऐसे भी आपको जब चाहे ऐसे शाम के छोटी मोटी भूख में भी आप ये बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया है। मैंने तो यहाँ लिया है मैंने बेसन, जो कि कप से देखे तो हाफ कप के आसपास से, मतलब रोटी आपकी जितनी बची होगी ना उस हिसाब से आपको ये बेसन लेना पड़ेगा। और फिर मैंने डाला है इसमें कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज, छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने गाजर का, और उसको घिस के डाला है मैंने इसमें। और डालेंगे फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली, आप इसकी जगह पे धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। और फिर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा, मतलब मीडियम सा ही एक घोल इसका तैयार करेंगे। टिफ़िन के लिए ये बहुत ही इजी नाश्ता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल मिक्स कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो वो डाल सकते हैं। और फिर डाला है मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, आप चाहें तो मिर्च पाउडर यूज कर सकते हैं। तो मैंने तो टिफ़िन के लिए ही बनाया था, बेटे के लिए बनाया था, तो ज़्यादा तीखा नहीं डाला है मैंने। और फिर यहाँ लिया है मैंने दो रोटी, दो ही रोटी बची हुई थी तो उसी का मैंने बनाया। और फिर उस पर लगाया मैंने थोड़ा सा पिज्ज़ा सॉस, आप चाहे तो यहाँ केचप भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इस पर जो बेसन का घोल तैयार करके रखा था ना, वो इस पर लगा देंगे, एकदम प्रॉपर लगाएंगे इसको चारों तरफ से, एक अच्छा सा लेयर इस पर लगा देंगे। और फिर तवा पे डाला है मैंने थोड़ा सा तेल, आप चाहे तो बटर यूज कर सकते हैं या घी, आप जो खाते हो आप यूज कर सकते हैं। और फिर जिस साइड से बेसन का घोल लगाया था ना, उस साइड से इसको पलट देंगे और दूसरी साइड भी बेसन का घोल लगा देंगे। इतना टेस्टी लगता है ना, और बहुत इजी भी होता है टिफ़िन में देने के लिए, ये बहुत ही अच्छा होता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। आप चाहे तो रात में सब्जियों को कट करके रख लीजिए और सुबह फटाफट बना लीजिए। और फिर एक साइड उसमें थोड़ा हल्का हल्का वो ऑयल लगा दिया, और फिर दूसरे साइड पलट के और इधर से भी थोड़ा सा तेल लगा देंगे। दोनों साइड से अलट पलट के इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फिर आती रहूँगी अच्छे अच्छे आइडिया लेकर। तो देखिए एक हो गया है ये, और इसको फिर मैंने सीजर से कट कर दिया है बीच से, और इसको फोल्ड करके और डाल दूंगी टिफ़िन में। एक ही लेकर गया था, थोड़ा बेसन लगाने के बाद से हैवी हो जाता है ना, मोटा मोटा हो जाता है, तो एक से ही हो जाता है, पेट भर जाता है बच्चों का। और इसको मैंने दिया था केचप के साथ में, आप चाहे तो चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर मेयोनी होना तो उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। एक आइडिया है जो आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा मुझे। तो चलिए फिर मिलूंगी आप लोग से अगले मिनी ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, और तब तक के लिए बाय।